दोस्तों एप्पल ने लॉन्च कर दिए हैं आईफोन एक्स के 3 और नए वेरिएंट जिनका नाम है आईफोन एक्स आर, आईफोन एक्स एस और आईफोन एक्स एस मैक्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे तीनों वेरिएंट्स के कंपैरिजन के बारे में और इनके प्राइस के बारे में कि इंडिया में इनके क्या प्राइजेस हैं। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिए। आपने लॉगिन किया है टेक्ट्यूबर्स में, मैं हूं शाहजेब अशरफ, आइए आगाज करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए टेक्ट्यूबर्स यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट क्वालिटी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। डिस्प्ले की बात करें तीनों मॉडल्स में तो हम आपको बता दें कि XS और XS Max जो है इन दोनों ही वेरिएंट्स में बस डिस्प्ले के साइज का फर्क है, बाकी सारे स्पेसिफिकेशन सेम है। वहीं जो XR है उसमें स्पेसिफिकेशन भी डिफरेंट है और लेकिन डिस्प्ले इसका भी बड़ा है। सबसे पहले डिस्प्ले की बात कर लेते हैं क्या दिया गया है। XS में दिया गया है 5.8 इंच का सुपर रेटिना डिस्प्ले, XS Max में दिया गया है 6.5 इंच का सुपर रेटिना डिस्प्ले। वहीं XR की बात करें तो XR में दिया गया है यहाँ पे 6.1 इंच का लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है। तो इन्हीं दो वेरिएंट्स में, इन तीनों वेरिएंट्स में बस यही फर्क है कि XS और XS Max में सुपर रेटिना डिस्प्ले है और वहीं जो XR है उसमें इन्होंने लिक्विड रेटिना डिस्प्ले यूज किया है। इस कंफ्यूजन को हम आपकी दूर कर देते हैं सबसे पहले कि भई एप्पल ने इतने सारे ये जो वेरिएंट निकाले हैं क्यों निकाले हैं। तो यहाँ पे एप्पल ने जो तीन वेरिएंट निकाले हैं जिसमें जो XS और XS Max जो हैं ये हाइयर वेरिएंट हैं और इनका प्राइस भी इसीलिए ज्यादा है। वहीं जो XR है ये इनका एकदम लो बजट तो नहीं कह सकते, लोअर हार्डवेयर का वेरिएंट है ये। इसमें हार्डवेयर मतलब इनके कंपैरिजन में कम यूज हुआ है, उतना अच्छा नहीं है, इसलिए इसका प्राइस भी कम है इन दोनों के कंपैरिजन से जो XS और XS Max है। अब आते हैं कैमरा पर। तो जो XS और XS Max है इसमें डुअल कैमरा सेटअप है, बैक पैनल पे 12 मेगापिक्सल के दो कैमरा दिए गए हैं। फ्रंट पैनल पे दोनों स्मार्टफोन में 7 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है जो कि सेल्फी के लिए काम आएगा। वहीं XR की बात करें तो यहाँ पे डुअल कैमरा सेटअप नहीं है, बैक पैनल पे सिंगल कैमरा दिया है एप्पल ने 12 मेगापिक्सल का। फ्रंट पैनल पे सेम ही कैमरा है 7 मेगापिक्सल का। परफॉर्मेंस की बात करें तो एप्पल ने जो आईफोन X लॉन्च किया था प्रीवियस ईयर में वहां पे उन्होंने A11 की बायोनिक चिप को यूज किया था जो कि प्रोसेसर हम कह सकते हैं। अब इन्होंने मेजर चेंज क्या लेके आए हैं, जो नए वेरिएंट आए हैं आईफोन X के, यहाँ पे ये A12 की बायोनिक चिप लेके आए हैं जो कि बहुत ही फास्ट है और एनहेंस्ड कर दिया है, टेक्नोलॉजी को उन्होंने इम्प्रूव करा है एज कम्पेयर टू जो उन्होंने आईफोन X में दी थी A11 की बायोनिक चिप। अब A12 आ गई है तो परफॉर्मेंस जाहिर सी बात है बेटर हो गई है। यहाँ पे तीनों ही वेरिएंट्स में वायरलेस चार्जिंग एप्पल ने दी है जो उन्होंने आईफोन एक्स में भी दी थी, तो कुछ नया इन्होंने यहाँ पे नहीं किया है। दोस्तों हम आपको बता दें कि जैसे आईफोन एक्स में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया था एप्पल ने, उसी तरीके से इन तीनों वेरिएंट्स में भी फेस मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया है, फेस आईडी का इन्होंने फीचर दिया है। फेस आईडी जानते हैं आप, ऐसे फोन करेंगे फेस अनलॉक हो जाएगा, फोन अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पे डिसएडवांटेज ये थी इनके इस टेक्नोलॉजी की फेस आईडी की, जो आईफोन एक्स इन्होंने लॉन्च किया था प्रीवियस ईयर में, तो वहाँ पे क्लोन अगर आप रख देना किसी का हमशक्ल तब भी फोन अनलॉक हो रहा था। तो अब देखने वाली बात ये है कि ये फेस आईडी को इन्होंने बनाए रखा है अपने इन वेरिएंट्स में भी, तो वक्त बताएगा कि ये कितना सक्सेसफुल है। वो उतना सक्सेसफुल नहीं था आईफोन एक्स में फेस आईडी का फीचर। दोस्तों एप्पल ने जो आईफोन एक्स के जो वेरिएंट लॉन्च किए हैं वो टोटल 9 वेरिएंट्स हैं। हर जो ये आईफोन है, हर जो आईफोन है उसका अपना 3 वेरिएंट है, जैसे आईफोन XR जो है उसके 3 वेरिएंट, आईफोन XS के 3 वेरिएंट, आईफोन X Max के 3 वेरिएंट। तो आप स्क्रीन पे देख पाएंगे जो वेरिएंट्स हैं उनके क्या प्राइजेज हैं। तो दोस्तों आपने ये प्राइस तो देख ही लिए होंगे, तीनों वेरिएंट्स के आपकी स्क्रीन पे चल रहे थे अभी प्राइजेस, तो वही हैं प्राइस, बहुत हाई लेवल पे गए हुए हैं। अगर आपकी जेब में इतने दाम हैं कि आप खरीद सकें तो खरीद लीजिएगा, बाकी आम जनता तो नहीं खरीद पाती है इतने महंगे स्मार्टफोन या आईफोन्स को, तो हम तो नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन बहुत चुनिंदा लोग होते हैं जो खरीद सकते हैं आईफोन को भी, तो जो खरीद सकते हैं वो खरीदेंगे, जिनका बजट नहीं है वो नहीं खरीद पाएंगे। आप लोग क्या सोचते हैं इस सीरीज के बारे में जो इन्होंने लॉन्च करी है, एप्पल ने आईफोन के 3 वेरिएंट लॉन्च करे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करके हमें बताइए। फिर मिलेंगे आप सभी से एक और नई एक्साइटिंग वीडियो में कुछ और नई इन्फॉर्मेशन को लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, हमारे साथ बने रहिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी क्वालिटी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हैव अ नाइस डे।